देश ही नहीं विदेशों में भी अपने भजन से लोगों को दीवाना बना देने वाले अजय पाठक की परिवार समेत रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई। हत्या के आरोपी की पहचान पुलिस ने कर ली है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि गायक अजय का सबसे खास शिष्य हिमांशु है। आरोपी ने अपना जुर्म तो कबूल किया है, साथ ही हत्या की वजह भी बताई है। हिमांशु अजय पाठक के काफी करीब था, परिवार में भी उसका आना जाना लगा रहता था। पुलिस अधिकारी के मुताबिक हत्या के पहले हिमांशु अजय के साथ उसी झार पर मौजूद था। उसने परिवार के साथ खाना खाया, अजय के पैर दबाए और उसके बाद उसने वारदात को अंजाम दे दिया। हिमांशु का कहना है कि उसे नहीं पता था कि ये सब कैसे और कब कर दिया, उसे अपने किए पर पछतावा है। हिमांशु के बयान के मुताबिक उसने गुरुजी से अपने रुपए मांगे थे, उसने उन्हें पहले ही बताया था कि उस पर कर्जा है, बैंक वाले परेशान कर रहे हैं। उस रात भी उसने अपने रुपए मांगे लेकिन उन्होंने उसे बुरा भला कहा और रुपए नहीं दिए। मीडिया के सामने अपने किए पर आरोपी ने अफसोस जाहिर किया। हिमांशु ने कहा कि अजय पाठक ने उसे पैसे नहीं दिए और डांट दिया, अपशब्द भी कहे, उसे बहुत अपमानित महसूस किया। उसने घर में रखी तलवार और चाकू उठाकर गुरु समेत पूरे परिवार पर वार किया और उसके बाद कमरे से नीचे आ गया। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा कि उसने क्या कर दिया। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.